भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जयपुर दौरे पर आए। हवामहल सीट पर भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद गोयल भाजपा मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां पर पीयूष गोयल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम वादे करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, जनता को हम काम करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी और राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे जनता को लाभ पहुंचा है। टिकट वितरण और नामांकन का कार्य पूरा हुआ है। राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी जोर शोर से प्रचार कार्य में जुट गए हैं। वैसे शायद विपक्ष अभी तक जूझ रहा है कुछ समस्याओं से और कई कई बातें सुनने आ रही हैं कि पता नहीं चल रहा है कि अब मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, उनका क्या गुटबाजी में चुनाव ठीक से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने संकल्प ले लिया है कि हम वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी जोश से जैसे पिछली बार 160 सीटें जीत के आई थी, वैसे ही हम फिर एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी निरंतर नकारात्मक राजनीति में जुटी हुई है। मैं समझता हूं कि चूंकि उनके पास बताने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए शायद बार बार ये कहते हैं कि भाई हमारा इतिहास मत बताया करो, कांग्रेस का इतिहास मत सामने।